क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इंसान इस धरती पे कैसे आए थे? हमारा जन्म इस धरती पे कैसे हुआ? कौन थे हमारे पूर्वज? हमसे पहले पृथ्वी पे कौन रहता था? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ? 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसे थी? सारे सवालों के जवाब आपको यहीं पे मिल जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, इसी तरह की तमाम अनसुनी रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल अनसुनी सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जो कि आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, जब पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों में ढक दिया था। भयानक विस्फोट से इतनी अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग के इन लावों में पूरी तरह तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से पृथ्वी पे मौजूद 90% प्रजाति का खात्मा हो चुका था। पृथ्वी पे रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन जीव जलकर खाक हो चुके थे। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी। दोस्तों, यही से डायनासोरों का काल खत्म हो चुका था, लेकिन यह महाप्रलय छोटी प्रजाति के जीवों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति थी मैमल्स की, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव की। यह छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो कैसे भी करके बच निकले थे, लेकिन वह भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और अब धरती पूरी तरह विशालकाय डायनासोरों से आजाद हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम सामान्य हो चुका था। पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधे का विकास होने लगा और शुरुआत हुई एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ काफी विकसित होते रहे। यह आकार में पहले की तुलना में काफी बड़े हो चुके थे। उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव जिनके हाथ और पैर हमारी ही तरह थे, उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा। वह सब सीधे होकर चलने लगे थे। अब समय आया आज से 4.7 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी के वातावरण में लाखों तरह के बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में हलचल पैदा होने लगी और इनका नतीजा यह हुआ कि धरती के दोनों बड़े बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का भारत भी शामिल था। इन दोनों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी पर्वतमाला पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का फॉर्मूला बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा होने लगा और इन पर्वत श्रृंखला के गिरने वाले बर्फ से कई बड़ी बड़ी नदियां का जन्म दिया। वह नदी जो कि आज 50% से भी ज्यादा मानव जाति के लिए पानी का अहम साधन है। यहाँ पर आज से 200 साल पहले ग्लोबल पुलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदानों में बढ़ोतरी होने लगी और जंगल धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ रहे। उस परिस्थितियों में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते और इन्हीं में से दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद। मगर दोस्तों, अब भी पृथ्वी एक अंश की कमी थी और वह था मनुष्य। आपने कभी यह सोचा है आखिर मानव आया कहां से था? आज से करीब 100 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप आज की तरह करीब करीब बन चुका था और अब पृथ्वी की परिस्थिति बदलने लगी। आज से करीब 40 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ था। यह अफ्रीकन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आने वाले मौसमी हवाओं के लिए अवरुद्ध बनकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से यह कहा वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस विशालकाय जंगलों में निवास करने वाले एप्स, इन्हें पेरुलापिथिक्स के नाम से जाना जाता था, इनका निवास स्थान पेड़ों पे था। यहाँ पर उन्हें भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए मिल जाता था। यह एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदने में सक्षम नहीं थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पे दो पैरों पे चलते थे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर करे। आगे चलकर यह बंदरों की प्रजातियाँ गोरिल्ला चिंपांजी में बदल गई और कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। यह सब पूरे अफ्रीका में फैलते हुए एक, मगर समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश
बारिश न होने की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन ऐप्स के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ से नीचे धरती पे पहली बार कदम रखा। यह थे अरवी एथिक्स रेविडिस, यही थे हमारे पूर्वज। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले जमीन पे अपना कदम रखा और यह मानव इतिहास का जमीन पे पहला कदम था। इनका सब कुछ हम इंसानों से मिलता था और इनका दिमाग संतरे के जितना बड़ा होता था और इसके पास हम इंसानों के जैसे दांत भी हुआ करते थे और आकार में यह 4 फीट जितना लंबा हुआ करते। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद इन्होंने अपने आप को 2 पैरों पे चलने के लिए सक्षम बना लिया, जिस कारण ऊर्जा की कम खर्च होती थी। 2 पैरों पे चलने की वजह से यह काफी लंबी दूरी तक अपना नजर घुमा सकता। साथ ही साथ उनका दिमाग भी बुद्धिमान होता जा रहा था। समय बीतता गया, विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही। हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते गए। आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग को काफी ज्यादा विकसित कर लिया था। इस प्रजाति का नाम था होमो हैवेलियस और उन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथियार बना लिया। कई सालों के लंबे अरसे से गुजरने के बाद उन्होंने अपने दिमाग को कुछ इस तरह बुद्धिमान बना लिया कि वह अब शिकार के लिए दूसरे से लड़ने की बजाय समूह में मिलकर शिकार करने लगे। इसके बाद प्रजाति आई होमो यरटफ, जो जानवर से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। यह खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। उस वक्त यह अहम खोज थी। आग की मदद से यह अपने आप को बचाए रखते थे। उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। इस कारण अब परिवार का निर्माण भी शुरू हो गया था। हमारे पूर्वज साथ साथ रहना शुरू कर दिए थे, जिससे वह लोग अपने आप में सुरक्षित महसूस करने लगे थे। आग से पका मांस खाने पे बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके कारण यह ऊर्जा उनके दिमाग पे खर्च होने लगी और इनका दिमाग भी आकार में काफी बड़ा हो चुका था। हमारे यह पूर्वज अन्य जानवरों से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे और पृथ्वी पे मिलजुल कर रहने वाले पहले बुद्धिमान जीव थे। लाखों साल बीत जाने के बाद कुछ आज के इंसानों ने अपना रूप के लिए और मानव अलग अलग आवाज निकालने के काबिल बन चुका था, यानी कि हमने भाषा का विकास कर लिया था, जिसके जरिए कोई भी जानकारी एक दूसरे से शेयर करते थे। यह आखिरी विकास क्रम था, उसके बाद आज के इंसानों की उत्पत्ति हुई। हमारा अस्तित्व यानी होमो सेपियंस का समय शुरू हो गया। हमारे पास धरती के सभी जानवरों से बड़ा दिमाग था। अब हम कहीं पर आ सकते थे, जा सकते थे, हमारे पास हथियार थे। उससे भी बड़ी बात, बड़ा हमारे पास दिमाग था। हम केवल एक ही महाद्वीप तक सीमित नहीं थे, बल्कि अलग अलग महाद्वीपों पे निवास करने लगे। आज से करीब 50 साल पहले आइस एज शुरू हुई। इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। फिर पेट पालने के लिए उन्होंने खेती शुरू कर दी और इसी तरह इंसानों ने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को काफी विकसित कर लिया। कितनी चुनौतियों के बाद आज के हम इंसान अस्तित्व में आए। आज हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि अब हम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि अब हम चांद पे कदम रख चुके हैं और विज्ञान की मदद से आज हम अलग अलग दुनिया का खोज कर चुके हैं। आज पृथ्वी पर हमारे जैसे कोई बुद्धिमान जीव नहीं है जो हमसे आगे हो। आज ऐसा समय आ गया है कि सुबह के वक्त इंटरनेट के बगैर हमारी आंखें तक नहीं खुल, कुछ लोगों को इंटरनेट के बगैर लगती भी नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का उदाहरण खुद देख सकते हो। अभी आपने 10 मिनट के अंदर ही मानव जाति के अस्तित्व का पता लगा लिया है। आज हमें पता है कि हम इंसान धरती पे कैसे आए। हमने अंतरिक्ष में जाकर कई रहस्यों को उजागर किया और आगे भी टेक्नोलॉजी की विकास की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है। तो कैसे लगा आपको हमारा करोड़ साल का सफर, कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हम आपसे मिलते हैं अपने एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।